हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विफिक सिंगिया यूट्यूब चैनल। आशा रखता हूं कि अभी चल रहे ये कोरोना महामारी में आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसी चल रहे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने एलसीडी पैनल रिपेयरिंग के लिए टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च किया है, जिसमें हमने फेमस ब्रांड जो पैनल के हैं सैमसंग, एलजी, बीओई, एयूओ, सभी प्रकार के पैनल का फॉल्ट फाइंडिंग को थियोरिकली एंड प्रैक्टिकली उसमें ऑनलाइन क्लासेस में हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पैनल के अंदर मेनली स्केलर पीसीबी या तो टिकॉन सर्किट या कॉफ या तो पैनल के इंटरनल ग्लास के रिलेवेंट फॉल्ट आते हैं। तो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है हमारी, उसमें हम पहले से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एलवीडीएस कनेक्टर जो है उसमें क्या क्या इनपुट रहता है और उसके आउटपुट जो है क्या है, आगे सर्किट के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, वो सब स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। हर एक प्रकार के, हर एक ब्रांड के टिकॉन और स्केलर पीसीबी उसका स्कीमेटिक जो है वो निकाल के उसके ऊपर आपको सारा जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। टिकॉन या तो स्केलर रिलेटेड जो फॉल्ट फाइंडिंग सेशन है उसमें हर एक जो टिकॉन सर्किट का जो हर एक डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि ये डीसी टू डीसी आईसी है, टिकॉन आईसी है, गामा आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी है, उसका थियोरिकली एंड प्रैक्टिकली वो कैसे काम करता है, उसका स्कीमेटिक क्या होता है और उसके जो मेन वोल्टेज आउटपुट्स है, सिग्नल्स है, जैसे कि एवीडीडी, वीडीडी, वीजीएल, वीजीएच, गामा है, सीकेवी लाइन्स है और एलवीडीएच डेटा है, वो सब सर्किट के ऊपर कैसे जनरेट होते हैं और उसका मेनली यहाँ पे डिस्प्ले देने के लिए उसका क्या रोल रहता है, वो सब आपको थियोरिकली और प्रैक्टिकली डीएसओ के माध्यम से सिखाया जाएगा। साथ में ही ये सब जो वोल्टेज और सिग्नल्स है वो अगर सर्किट के ऊपर मिसिंग हो जाए तो स्क्रीन के ऊपर उसका क्या सिम्टम्स रहता है, जैसे कि एवीडीडी मिसिंग हो जाता है तो पूरा वाइट स्क्रीन या तो नो पिक्चर हो सकता है, रिकॉम मिसिंग की वजह से ओवर ब्राइटनेस आ सकता है, या तो डबल इमेज जो है वो किस कारण से आता है, स्लो मोशन का रीजन क्या है, ये सब जो जानकारी है वो आपको प्रैक्टिकली सर्किट को ट्रेस करते हुए डीएसओ के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में ऑफ रिलेवेंट जो इश्यूज आते हैं उसका ऑब्जर्वेशन और फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होता है वो आपको, उसकी ट्रिक्स एंड जो आइडियाज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेनली क्या होता है कि अगर हमारे पास कॉफ जो है उसका इनपुट डेटा अगर हमारे पास है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम प्रॉपर तरीके से उसको ट्रबल शूट करके पर्टिकुलर कॉफ को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कभी मल्टीपल कॉफ लगी हुई है तो उसमें से कौन सा कॉफ खराब है वो हम ये डेटा के ऊपर से कंफर्म कर। तो ये कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स है जिससे हम इजीली फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, जो हम आपके साथ ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस में शेयर करेंगे। एक बार कॉफ का फॉल्ट फाइंड हो जाने के बाद वो कॉफ को रिप्लेस करना होता है, तो उसके लिए हम आपको ये भी प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि पुरानी कॉफ को कैसे इजीली रिमूव करना है। फिर यहाँ पे पीसीबी क्लीन करना होता है, ग्लास क्लीन करना होता है, कॉफ को क्लीन करना होता है, तो यह सारा कुछ प्रैक्टिकल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में हमने इंक्लूड किया हुआ है। कॉफ बॉन्डिंग के ऑनलाइन क्लास में हम आपको प्रैक्टिकली ये सिखाएंगे कि अलग अलग ब्रांड्स की जो पैनल्स रहती है, सैमसंग, एलजी, उसमें कैसे बॉन्डिंग होता है और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बॉन्डिंग मशीन जो है वो कैसे ऑपरेट होता है। मेनली क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की जो कॉफ है, पुरानी कॉफ है, बिग कॉफ है, 4K पैनल की कॉफ है, उसके लिए मशीन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल दिया गया है। फिर कभी ओल्ड कॉफ अगर बॉन्डिंग करना है तो उसके लिए अलग प्रोफाइल दिया गया, तो ऐसे डिफरेंट प्रोफाइल्स रहते हैं। बिग कॉफ के लिए अलग रहता है, 4K पैनल के लिए रहता है, तो ये प्रोफाइल्स को यूज करके हम बेस्ट से बेस्ट बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं उसका आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन क्लास में दिखाया जाएगा। और दूसरा, आपको मशीन कैसे मेंटेन करना है लंबे समय तक, ये मशीन जो अच्छी तरह से काम कर सके वो, उसके लिए क्या मेंटेन करना है इसको, वो भी हम आपके साथ उसका नॉलेज शेयर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के वन ऑफ द सेशन में पैनल जो कि साइड गेट वाला रहता है उसमें कभी साइड गेट के ऊपर कुछ वोल्टेज या तो सिग्नल मिसिंग हो जाता है तो उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है और फिर उसको पीसीबी से प्रॉपरली जंप कैसे करना है उसका आपको नॉलेज ट्रांसफर किया जाएगा।
जैसे कि अभी मोस्टली पैनल जो है वो विदाउट साइड गेट्स आते हैं, जिसमें दोनों तरफ से सीखी हुई लाइन जाके पैनल के अंदर इनपुट होती है। तो ऐसे पैनल्स में ज्यादातर पैनल ग्लास के इंटरनल शॉर्टिंग के इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो मोस्टली कुछ टेक्नीशियंस यहाँ से कटिंग ऑल ट्रैक्स कट करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम आपको ये सिखाएंगे कि उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके, हर एक सीखी हुई लाइन्स को ऑब्जर्व करके पर्टिकुलर जो लाइन में फॉल्ट है उसको कैसे फाइंड आउट करना है और उसको कैसे मॉडिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके लिए हम आपको सिखाएंगे कि ये जो एक्स वाई डायरेक्शन वाला जो माइक्रोस्कोप हमने सेट किया है उसके यूज करके किसी भी बड़ी पैनल्स को भी आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके ऊपर ऑब्जर्व करने के बाद हम कैसे वो फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन क्लास में सिखाया जाएगा। जब पैनल नॉट रिपेयरेबल हो जाता है या तो ब्रोकन हो जाता है तो ऐसे केस में पैनल को रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के वन ऑफ द सेशन में आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी सेट में कोई भी पैनल को कैसे सेट करना है, वो पैनल इंस्टॉल करने के बाद उसका LVDS मैपिंग और मिरर सेटिंग सॉल्यूशंस कैसे करना है, वो सब आपको ऑनलाइन क्लासेस में वो नॉलेज शेयर करेंगे। स्पेशली सोनी के केस में जब पैनल रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद जो है अगेन 5 linking रहता है, तो उसमें उसका जो पैनल आईडी मेमोरी है उसको सेट करना पड़ता है। उसके लिए कुछ इस तरह के मॉड्यूल भी यूज करते किए जाते हैं। तो वो मॉड्यूल को कैसे यूज कर रहा है उसका प्रैक्टिकली आपको नॉलेज ट्रांसफर किया जाएगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस के वन ऑफ द सेशन में। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर आइडिया आ गया होगा कि इस ट्रेनिंग में आपको हर एक प्रकार के जो पैनल के फॉल्ट है उसका सोल्यूशन है वो आपको इजीली मिल जाएगा, और आप किसी भी प्रकार का पैनल किसी प्रकार का फॉल्ट जो है वो आप रिपेयर कर सकेंगे। ट्रेनिंग के हमने 2 module रखे हुए हैं, एक प्रो मॉड्यूल है और दूसरा मॉड्यूल है वो अल्टीमेट मॉड्यूल है। अल्टीमेट मॉड्यूल में हमने जो लेजर रिपेयरिंग सॉल्यूशंस है उसका ट्रेनिंग इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि पैनल के जो इंटरनल ग्लास के जो फॉल्ट आते हैं उसको लेजर मशीन के ऊपर कैसे ऑब्जर्व करना है, पैनल के डिफरेंट ब्रांड के जो पैनल्स रहते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर से फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको कैसे लेजर मशीन के ऊपर रिपेयर किया जाता है, उसका आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में दिया जाएगा। अल्टीमेट वर्जन में एक इंजीनियर जो है वो आपके लिए असाइन किया जाएगा जो कि आपको लाइव फॉल्ट फाइंडिंग में वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको हेल्पफुल हो सकता है। साथ में ही हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे हर एक प्रकार के पार्ट्स अवेलेबल करने के लिए। दूसरा, आपको पैनल के डेटा शीट्स, सॉफ्टवेयर्स, साइड गेट के जो डेटा रहते हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपको फ्यूचर में रिपेयरिंग के दौरान आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये ट्रेनिंग जो है वो हिंदी और इंग्लिश 2 mixed language में रहेगी, तो लाइव क्लासेस के दौरान आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में चैटिंग कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा चैटिंग के द्वारा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको सब तरह की जानकारी मिल गई होगी और मैं आशा रखता हूँ कि आप ये ट्रेनिंग जरूर लेना चाहेंगे। ये ट्रेनिंग जो है वो फुल्ली प्रैक्टिकल स्टफ से भरी हुई है, आप उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। आपके फ्यूचर में हर एक प्रकार के LCD पैनल्स के जो फॉल्ट है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रेनिंग लेने के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये ट्रेनिंग जरूर लेना चाहेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं आशा रखता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे नए नए टेक्निकल वीडियोस के लिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।